सभी को राधे राधे। मैं हूँ ओमेगा जयश्रीवास्तव। मैं डेली ब्लॉग्स अपना और फैमिली का आपसे शेयर करती हूँ। आज है थर्सडे की नाइट और मेरे नाम सफ़ा जी ने पनीर लाया है और मेरे सिर में काफ़ी पेन था, तो इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट में पनीर दो प्याज़ा बनाते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले पनीर को हम लोग बॉयल वाटर और नमक में जो है भिगो के रख लेते हैं। 10 मिनट बाद जो है उसको डीप फ्राई करने के लिए कर देते हैं। और जब डीप फ्राई हो जाए तो इधर हम सारी चीज़ें चॉपिंग करके रेडी कर लिए हैं। बड़े बड़े प्याज और लहसुन, अदरक, धनिया पत्ते, टमाटर, शिमला मिर्च, ये देखिए मैंने सारी चीज़ें चॉपिंग कर ली है। मैं इनको काफ़ी बारीक नहीं काटती हूँ, क्योंकि ये दो प्याजा है तो फिर इन सब सब्जियों का अलग अलग टेस्ट पता चलता है ना, अगर इनको काफ़ी गलाया नहीं जाता है। उसके बाद जो है सारी चीज़ें जब कट कर ली है तो मसाले भी मैंने साइड में करके रख लिए हैं, क्योंकि मसाले साइड में रहते हैं ना तो फिर कोई भी मसाले भूनने का डर नहीं रहता है। सबसे पहले कुकर में जो है आटा डाला और फिर थोड़े से देसी घी डाले। अगर मेरी तरह ग्रेवी में बनाना है तो फिर कुकर में बनाएं, और अगर ग्रेवी नहीं डालनी है तो कढ़ाई में इसको बनाएं। फिर जो है कुकर में नमक और तेज़पत्ते डाल के हल्का सा ब्राउनिश फ्राई कर लेंगे, और फिर ओनियन, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली डाल के इसको हल्का सा ब्राउन होने रख देंगे। और इधर जो मैंने पनीर को कटिंग करके रखी है उसमें कॉर्नफ्लोर का आटा और नमक डाल के रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। इतने देर में हमारे जो पनीर हमने भूनने के लिए रखे हुए सॉरी जो ओनियन और लहसुन अदरक हमने भूनने के लिए कुकर में डाले हैं वो भून के हो गए हैं ब्राउन। उसमें पनीर थोड़े से शिमला मिर्च डालते हैं और इन सबको ढक ढक के धीमी आंच में जो है भूनते हैं। इन सबको काफ़ी गलाते नहीं है, क्योंकि ये दो प्याजा है तो खड़े टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगता है। जब इस कंडेंसी में आ जाए तो इसमें पनीर डाल देते हैं, और पनीर डालने के बाद जो है चलाते नहीं है, सारे मसाले भी तुरंत डाल देते हैं। हल्दी, मिर्ची पाउडर, और घर में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग वगैरह खड़े खड़े डालते हैं, और मैगी मसाला डाल के इसको खूब अच्छे से चलाते हैं। मेरे घर में टमाटर थोड़े खड़े पार्ट में पसंद है, तो इसलिए मैं टमाटर लास्ट में जब सारे मसाले भून लेती हूँ तब डालती हूँ। ये आपके घर में जैसा टेस्ट हो वैसा डाल सकते हैं टमाटर। और फिर पानी डाल के फिर प्रेशर एक सीटी में इसको प्रेशर लगा देंगे धीमी आंच में, और बन गया हमारा पनीर दो प्याजा की 10 मिनट में रेसिपी रेडी। इसको हमने पराठे और पुलाव के साथ सर्व किया, सैलड हो गया, और सबके डिनर बनके हो गया रेडी, और सबको हम लोग जा रहे हैं सर्व करने। राधे कृष्ण। कैसी लगी हमारी पनीर दो प्याजा की रेडी रेसिपी? सभी को राधे राधे।